सभी नदियों की शुरुआत पहाड़ों से होती है और ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र से होती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। बट क्वेश्चन ये है कि सभी नदियों का शेप सीधा क्यों नहीं होता और ये सीधी नदियाँ समय के साथ साथ बेंड क्यों हो जाती है। एक नदी को बेंड होने में बहुत समय लगता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बेंड होने की प्रोसेस को आप गूगल मैप्स में देख सकते हैं। एक नदी के किनारे बहुत सारे जानवरों का घर होता है जिसमें वो अपने बिल्स बनाकर रहते हैं। इन बिल्स की बाउंड्री बहुत कमजोर होती है जो कि नदी के बहाव के साथ कटने लगती है जिससे कि नदी का आकार बड़ा हो जाता है। नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और रेत बहाकर लाती है जो कि कम बहाव वाले एरिया में जाकर जमा होने लगती है जिससे कि नदियाँ थोड़ी बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस के कारण नदियों का पानी किनारों पर जाकर तेजी से लगता है जिससे कि नदियाँ मुड़ने लगती हैं और एस शेप बनने लगता है। एक एस शेप की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना होती है और ये एस शेप आगे जाकर दोनों किनारे मिल जाते हैं जिससे कि एक झील का निर्माण होता है जिसे कि ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि नदियाँ बेंड क्यों होती है। और आपको इस प्रोसेस के बारे में पता था या नहीं मुझे कमेंट में यस या नो करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।